हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मिलिया। मैं आज बताऊंगा कि कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक या अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं अपने सिस्टम से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, फिलहाल तो www.google.com में जैसे ओपन किया है, यहाँ पे www.facebook.com कर रहा है। जैसे कि कोई भी कॉलेजेस में और कोई भी इंस्टीट्यूट में या कोई भी स्कूल्स में, वहाँ पे आप ट्राई करते हो www.facebook.com खोलने की ट्राई करते हो, वहाँ पे कुछ एरर आते हैं, प्राइवेट का कुछ एरर आएगा, मतलब रिस्ट्रिक्शन का एरर आएगा, उसकी वजह से आप खोल नहीं पाते हो facebook.com। तो उसको अनब्लॉक कैसे करें? अदरवाइज आपको घर पे बैठे बैठे कुछ, मतलब कोई आपका फ्रेंड है, फैमिली है, वो फेसबुक खोल रहे हैं, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो वो कैसे करें, तो वो वीडियो में मैं आज बताऊँगा। तो उसके लिए आप देखो यहाँ पे facebook.com जैसे मैंने यहाँ पे खोला है, ओके तो फेसबुक डॉट खुल गया है। अभी मुझे उसको ब्लॉक करना है, तो वो ब्लॉक कैसे करना है? तो यहाँ पे आपको विंडोज़ आर की प्लेस करनी पड़ेगी। जैसे विंडोज़ आर की प्लेस करोगे, वहाँ पे आपको क्या लिखना है, ड्राइवर्स। यहाँ पे देखना है, ड्राइवर्स में एस पीछे है, ओके जैसे एंटर करोगे ना, तो यहाँ पे आप देखो पाथ दिखेगा, सी ड्राइव विंडोज़ सिस्टम 32 ड्राइवर्स के अंदर। अदरवाइज आपको नहीं पता है तो सी ड्राइव विंडोज़ अंदर सिस्टम 32 में जाओ, ड्राइवर्स के अंदर, वहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है, ये फोल्डर के अंदर जाना है, ETC के अंदर जो देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट होस्ट की फाइल दिख रही है, उसको कंट्रोल एक्स दबा के यहाँ पे डेस्कटॉप में पेस्ट कर लेना है। प्रिविलेज का पूछ रहा है आपको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, तो जस्ट आपको सिंपल क्लिक करना है कंटिन्यू पे, और ये फाइल जो है होस्ट की फाइल है उस पर राइट क्लिक करना है, ओपन विद, और ओपन विद सिंपल नोटपैड में ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे फोकस करना है, देखो यहाँ पे 127.0.0.1 और यहाँ पे लोकल होस्ट है, और :\1 और लोकल होस्ट, IP version 4 का यूज़ किया है और IP version 6 का यूज़ किया है। मुझे यहाँ पे 127.0.0.1 इसको लुकबैक एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे 127.0.0.2 डाल रहा हूँ कोई अदर वेबसाइट के लिए। जैसे कि यहाँ पे www.facebook.com को मुझे रिस्ट्रिक्ट करना, तो मैं facebook.com कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको कोई और वेबसाइट्स को करना है तो वहाँ पे उसका URL लिख दो। मुझे जैसे कि 127.0.0.3, अभी कोई ऐसे भी बंदे होंगे तो डायरेक्टली URL पे नहीं क्लिक करते, वो ऐसे करते हैं जैसे गूगल पे जाके सर्च करते हैं और फेसबुक खोलते हैं, तो उसके लिए भी आप करना है तो आपको facebook.com आप लिख सकते हो। मतलब कोई भी कीवर्ड से वो लोग ट्राई करें तो आपको फेसबुक खोलना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, जैसे कि fb.com कर रहे हैं तो वो भी नहीं खोलना चाहिए, 0.0.5 कर रहा हूँ फेसबुक, मतलब कोई भी कीवर्ड से करे तो वो नहीं होना चाहिए, और उसको सेव कर लेता हूँ और बंद कर लेता हूँ। और ये जो फाइल जहाँ से आपने लिया था ना, वहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, और प्रिविलेज के लिए फिर से वो कंटिन्यू करने का पूछेगा और आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आप देखो गूगल पे मैं जा रहा हूँ, और दूसरा URL पे मैं फिलहाल facebook.com लिखने की ट्राई करूँगा, तो वो देखो यहाँ पे तुरंत उसने रिस्ट्रिक्शन कर लिया है, देखो प्राइवेट से, योर कनेक्शन इज ए नॉट प्राइवेट, अटैकर माइट बी ट्राइंग, मतलब ये आपका नहीं हो रहा। बट मैं एडवांस में जाके कुछ कर सकता हूँ? नो, आप वो भी नहीं कर सकते। चलो लेट्स बी, हम ट्राई कर सकते हैं google.com में जाके फेसबुक सर्च करके भी खोल सकते हैं हम लोग, वो भी ट्राई कर लेते हैं। वो ट्राई कर रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं, तब तक हम लोग देख लेते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि गूगल में नहीं चल रहा है, तो अदर ब्राउज़र में आप हम देख लेते हैं अदर ब्राउज़र में चल रहा है कि नहीं। वो भी यूज़र से वहाँ पे आप चेक तो करेगा, वो अदर ब्राउज़र ट्राई करेगा। तो यहाँ पे सॉरी मेरे सेमेस्टर के लिए facebook.com, यहाँ पे देखो अनेबल टू कनेक्ट, वो कनेक्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो और यहाँ पे भी एरर आ चुकी है। तो आपको यहाँ पे मैंने वीडियो में बताया है कि कैसे ब्लॉक कर सकते हो और कैसे अनब्लॉक कर सकते हो कोई भी जगह पे वो ये वेबसाइट्स को, जैसे कि आपको facebook.com मैंने अभी एग्जांपल दिया है, तो आप orkut.com, twitter.com, gmail.com जो भी है आप वो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।